वास्तुशास्त्र का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर वास्तु के अनुसार घर या कार्यस्थल न बना हो तो जीवन में दरिद्री छाई रहती है। इसके अलावा जीवन में भौतिक सुखों की कमी बनी रहती है और तो और फिजूल खर्च भी बढ़ते रहते हैं। घर में भी क्लेश बना रहता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते को लेकर वास्तुशास्त्र के बारे में। अगर आपके घर में बेडरूम की दिशा सही नहीं है तो पति पत्नी के रिश्ते में क्लेश बना रहेगा। इसलिए आज जानते हैं खुशहाल जीवन वैवाहिक जीवन के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार पति पत्नी के बेडरूम में क्या रखना वास्तु के अनुसार सही होता है या गलत। कभी भी वास्तु के अनुसार बेडरूम में हिंसक या बुद्धि युद्ध दर्शाते हुए चित्र को नहीं लगाएं, क्योंकि यह चित्र पति पत्नी के बीच मनमुटाव एवं तकरार पैदा करते हैं। साथ ही बेड के सामने आईना ना लगा हो। देखिए, वास्तु के अनुसार पति पत्नी का जो बेडरूम है, गृह स्वामी का जो बेडरूम है, वह नैऋत्य कोण में आना चाहिए। और इसके साथ हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो सीनरी वगैरह, जो फोटो वगैरह हम लगाते हैं, किसी प्रकार के हिंसक जीव जैसे शेर वगैरह की, सिंह की, बाघ की, इनकी फोटो नहीं होना चाहिए। और किसी प्रकार के युद्ध, लड़ाई इत्यादि की भी फोटो नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की भी फोटो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी प्रकार की फोटो लगाना चाहते हैं तो हरियाली की, प्रकृति की, इस प्रकार की फोटो जो है हम हमारे बेडरूम में, जो पति पत्नी का बेडरूम रहता है, उसमें लगा सकते हैं। इसके साथ एक दूसरी बात यह है कि पति पत्नी के बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए, या आईना इस प्रकार से हो कि वो पति पत्नी जब उसमें सो रहे हो या सो के उठ रहे हो, ऐसी स्थिति में वे स्वयं का मुख ना देखें। इसलिए किसी इस प्रकार की दीवार पर लगाना चाहिए जिससे वे स्वयं को ना देख पाए सोते समय। तीसरी बात है कि पति पत्नी के बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो शोर करते हो, जो आवाज करते हो, जैसे टीवी हुआ, कंप्यूटर हुआ या कोई साउंड सिस्टम हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए। इन सभी से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, पति पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है और उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी नहीं रहता, असफल हो जाता है।